बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसल लॉस होगा या फिर मसल मास कम होगा ये सोचकर कार्डियो एक्सरसाइजेस या फिर एरोबिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं करते। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसमें आपको आपके दिमाग में जो बहुत सारे क्वेश्चंस है उसके आंसर्स मिलेंगे कि क्या सच में कार्डियो एक्टिविटीज़ करने से मसल लॉस होता है, या फिर अगर आपको कार्डियो एक्टिविटीज़ करना है तो आपको कितना टाइम करोगे, एट ए टाइम करोगे तो, या फिर हफ्ते में कितने दिन करोगे, या फिर कार्डियो एक्टिविटीज़ क्यों करना चाहिए हमें। तो ये सारे जो सवाल है उसके आपको आज जवाब मिलने वाले हैं। सो गाइज, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो ईसा फिटनेस एकेडमी। पहले मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करा दूँ कि मैंने कार्डियो एक्टिविटीज़ को एरोबिक एक्टिविटीज़ भी कहा था। तो क्या है डेफिनेशन एरोबिक एक्टिविटीज़ का? तो एरोबिक एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी एक्टिविटी जो 3 मिनट के ऊपर लंबे समय तक चलती रहती है, और ये एक्टिविटी चलते समय आपके बॉडी में जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ओके, मतलब आप एरोबिक एक्टिविटी अभी कार्डियो एक्टिविटीज जब करते रहते हो तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन सेटिस्फाइड रहता है, इसलिए उसको एरोबिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरा मसल लॉस होगा इसके लिए मैं कार्डियो एक्टिविटीज़ नहीं करूँगा, या फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं तो पतला हूँ, मेरे बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं है तो मुझे कार्डियो की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग सोचते हैं। तो पहले हम ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि किसको किसको कार्डियो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर है, दुनिया में हर एक इंसान को कार्डियो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आप पतले हैं, मोटे हैं, आप बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, आप मेल है, आप फीमेल है, ये सबको कार्डियो एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत होती है। अब दूसरा सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्यों करना है हमें कार्डियो ट्रेनिंग, या फिर क्यों करना चाहिए एरोबिक एक्सरसाइजेस। तो इसका अगर आपको आंसर मिला तो जो लोग नहीं कर रहे कार्डियो एक्टिविटीज़ वो ऑटोमेटिकली करने लगेंगे। तो पहला बेनिफिट ये है कार्डियो एक्टिविटीज़ करने का कि आपका कार्डियो वैस्कुलर इंड्योरेंस बढ़ जाता है, तो आपके हार्ट का बेसिकली स्टैमिना बढ़ जाता है, या फिर अगर इसको और डिटेल्स में अगर समझोगे तो आपके हार्ट का काम क्या है, आपके हार्ट का काम है आपके बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना, इसके लिए वो पंप करते रहता है, बीट करते रहता है। और आप जब कार्डियो एक्टिविटीज़ करते हो तो आपके हार्ट का जो फंक्शन है, आपके बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना, ये फंक्शन में इम्प्रूवमेंट होता है और आपका हार्ट लंबे समय तक आपके बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते रहता है, और इसी को बोलते हो आप स्टैमिना, जो लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता। तो जिनको जिनको अपने ये हार्ट का स्टैमिना बढ़ाना है या फिर आपका कार्डियो वैस्कुलर इंड्योरेंस बढ़ाना है, उनको उनको एरोबिक एक्सरसाइजेस या फिर कार्डियो एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। और आप में से ऐसा कोई है क्या कि जिसको उसके हार्ट का स्टैमिना नहीं बढ़ाना है या फिर हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव नहीं करना है, ऐसा कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान के पास हार्ट है और हर एक इंसान ऐसा चाहता है कि मेरा हार्ट दिन ब दिन स्ट्रांग हो जाए, उसका इंड्योरेंस बढ़ते रहे और वो फिट रहे। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के हर एक बंदे को या फिर हर एक बंदी को कार्डियो एक्टिविटीज़ करने होंगे। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कार्डियो एक्टिविटीज़ का कि जब हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे बॉडी का फंक्शन बढ़ता है। तो अगर बॉडी का फंक्शन बढ़ गया तो बॉडी को एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और एनर्जी चाहिए तो बॉडी क्या करती है, जो आपके बॉडी में स्टोर्ड कैलोरीज है उसको बर्न करना चालू कर देती है। और आपके कैलोरीज कहाँ स्टोर्ड होते हैं, आपके एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में। तो फैट में जो कैलोरी स्टोर हुआ है वो भी बर्न होना चालू कर देते हैं और वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। तो जब हम कार्डियो एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें फैट लॉस का भी बेनिफिट मिलता है। थर्ड बेनिफिट क्या हो सकता है कार्डियो एक्टिविटीज़ का, जब एक्सरसाइज करते हो आप वेट ट्रेनिंग, तो वेट ट्रेनिंग में एक सेट करने के बाद आपके हार्ट रेट बढ़ जाते हैं और आप दूसरा सेट करने से पहले रेस्ट कर देते हो, और आपके हार्ट रेट जब रेगुलेट हो जाते हैं या फिर आपका हार्ट रेट जब रिकवर हो जाता है तब आप सेकेंड सेट करने जाते हो। तो जब आप रेगुलरली एंड प्रॉपरली कार्डियो ट्रेनिंग करते हो तो वेट ट्रेनिंग में इन बिटवीन टू सेट्स
आपका हार्ट रेट रिकवरी है वो भी फास्ट हो जाता है। और लास्ट बेनिफिट ये है कार्डियो का कि जब आप इंड्योरेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ करते हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो जहाँ पे इंड्योरेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, वो टास्क आप कंफर्टेबली कंप्लीट कर पाते हो। तो ये थे आपके कार्डियो के बेनिफिट्स, और ये बेनिफिट जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा है जो कार्डियो वो नहीं करेगा, है ना। बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये है, बट मेरा मसल लॉस हुआ तो क्या, या फिर अगर मैं कार्डियो करता हूँ तो मेरा मसल लॉस हो सकता है क्या। अब कार्डियो करने से मसल लॉस होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आपके चार फैक्टर पे। कौन से चार फैक्टर है? पहला फैक्टर, आप हफ्ते में कितने दिन कार्डियो कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है एक वीक में कार्डियो करने की। दूसरा फैक्टर ये है, आप एट अ टाइम कितने ड्यूरेशन तक कार्डियो कर रहे हो। तीसरा फैक्टर ये है, आपकी इंटेंसिटी क्या है, आप बिगनर हो, आप इंटरमीडिएट हो या फिर आप एडवांस हो। ओके, एंड चौथा फैक्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आप एक्टोमॉर्फ हो, आप एंडोमॉर्फ हो कि आप मेजोमॉर्फ हो, ये पहले आपको पहचानना होगा, समझना होगा। और जिनको ये नहीं पता कि खुद का बॉडी टाइप क्या है, वो मैंने लास्ट संडे अराउंड 20 सितंबर को वीडियो अपलोड किया है कि आपका बॉडी टाइप आपको किस तरह पहचानना है या फिर आपका बॉडी टाइप क्या है, ये अगर जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो लोग एक्टोमॉर्फ है, जिनके बॉडी में मसल मास भी कम है और फैट भी कम है, उनको किस तरह कार्डियो करना चाहिए, उनको हफ्ते में 2 से 3 बार मैक्सिमम कार्डियो करना चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में फैट भी कम है और मसल्स भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे लोग वीक में 3 बार कार्डियो करें और एट अ टाइम 30 to 35 मिनट्स तक कार्डियो कर सकते हैं। जो लोग एंडोमॉर्फ है, जिनके बॉडी में ठीक ठाक मसल है बट बहुत ज़्यादा फैट है, मोटे हैं जो लोग, ऐसे लोग बिगनिंग एंड इंटरमीडिएट लेवल पे अगर है तो उनको वीक में एवरीडे कार्डियो ट्रेनिंग कर सकते हैं और वीक में 3 दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। जिस दिन वेट ट्रेनिंग है उस दिन वेट ट्रेनिंग के बाद 30 मिनट्स का कार्डियो कर सकते हैं, और बाकी के 3 दिन जिस दिन वेट ट्रेनिंग नहीं है उस दिन 1 घंटे का नॉन स्टॉप कार्डियो ट्रेनिंग कर सकते हैं। संडे को ब्रेक ले सकते हैं या फिर वीक में एक दिन ब्रेक ले सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद जो लोग मेजोमॉर्फ है, एथलीट टाइप बॉडी है, जिनके बॉडी में मसल बहुत अच्छे खासे है और फैट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोग भी हफ्ते में 3 बार 1 घंटा कार्डियो कर सकते हैं अपने वेट ट्रेनिंग का शेड्यूल प्रॉपर मैच करके कार्डियो के साथ। बट एक वीक में कम से कम 3 बार कार्डियो उनको करना चाहिए। तो आई थिंक सो आपका अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा कि कार्डियो ट्रेनिंग करने से मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, ओवर ट्रेनिंग करने से, ओवर कार्डियो ट्रेनिंग करने से मसल लॉस हो सकता है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, खुद का बॉडी टाइप समझ लो, खुद की इंटेंसिटी समझ लो, और जो मैंने अभी कुछ फैक्टर्स बताए उनको समझ लो। अगर ये शेड्यूल फॉलो करते हो आप और ओवर कार्डियो ट्रेनिंग नहीं करते हो तो आपका बिल्कुल भी मसल लॉस नहीं होगा, बट आपको कार्डियो ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। आपका कार्डियो वैस्कुलर इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए आपको कार्डियो ट्रेनिंग या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेस करने ही पड़ेंगे। ओके, सो गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू।